अस्सलाम वालेकुम गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो गाइज आज दो खुशखबरियाँ हैं। एक खुशखबरी ये है कि जो हमारा कबूतर गुम हुआ था वो हमें वापस मिल चुका है। कबूतर हमें ऐसे वापस मिला जो हमारे घर मिस्त्री लगे हुए हैं, उनके भाई ने वो इतने ज़्यादा कबूतर रखे हुए थे जिनके छत पर हमारा कबूतर बैठा था, उनके घर गए तो फिर पता चला ये तो हमारे मिस्त्री जो घर लगे हुए हैं उनके कबूतर हैं। तो फिर हमें कबूतर वापस मिल गया। तो अभी माशाल्लाह ये चेक करें जी, हमारे पास फिर से दो कबूतर हो गए हैं। कबूतरों के परों पे लगा दिया हमने पिन ताकि ये उड़ ना पाए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि हम लोग लेके आए हैं जी लकी कबूतर। हाँ भाई, लकी कबूतर लेके आए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बहुत ही प्यारा लकी कबूतर हमें मिल चुका है। तो ये देखें जी कितना प्यारा लकी कबूतर है। अली भाई पकड़ना इसे यार, तो बहुत ही प्यारा लकी, ये देखे काटता भी है, ये देखना ये अली, ये देखे जी, ये देखे लकी कबूतर लेके आए और भाई काटता है। अभी मुझे अंदर काटा था, ये देखना यार ये काट भी रहा। तो ये देखे कितना प्यारा लकी कबूतर है। अली भाई पकड़ना इसे हाथ में, हाथ में पकड़ना। तो ये देखे जी बहुत ही प्यारा लकी कबूतर है, बहुत खूबसूरत है। अभी आप लोग को मैं बाहर चल के दिखाता हूँ। मुझे ये लकी कबूतर बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मेरा दिल कर रहा है कि अब हम लोग इस तरह के लकी कबूतर लेके आएंगे। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ नीचे रख के। ये लकी कबूतर देखने में तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये देखे जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यार ये काटता पता नहीं क्यों है, मैं इसे पकड़ता हूँ ना तो ये काटता है, ये देखना देखने को तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे पकड़ते हैं और फिर पिंजरे में बंद कर देते हैं, तीनों अब मिल के रहेंगे। ये भाई काटता है पता नहीं क्यों काटता है, तो अभी इसका कुछ करना पड़ेगा। ये समझ नहीं आई मुझे क्यों काटता है। ये वाला कबूतर लकी जो है हमारे देखना, ये देखे ये काट रहा है बार बार। तो अभी इसको इधर बंद कर देते हैं। पैट के बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अभी उधर चल के आप लोग को पैट के बच्चे भी दिखाता हूँ। कर रहा है कि बड़े पिंजरे में बंद कर दूँ, तो अभी इनको इधर से निकाल के तो बड़े पिंजरे में डाल देंगे। ये देखे जी इधर डाल दिया इस वाले पिंजरे में, तो ये भी चला गया इधर और ये भी आज हाथ, ये भी चला गया इसमें। कबूतर बड़े पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है। और अभी आप लोगों को मैं पैर दिखाता हूँ, ये देखें कितने प्यारे प्यारे पैर है। ये नए लेके आए थे हम लोग, ये वाला जो ब्लू कलर का है ये भी नया लेके आए हैं। और उसके बाद ये देखें जी वाइट पैर, इनके बच्चे अब वो देखें बच्चे सामने नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो मैं आप लोग को बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ बच्चे। तो ये देखें जी नीचे वो अंदर चले गए, और ये देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अभी आया हुआ पिंजरे के पास और वो देखे जी सामने अंडा दिया हुआ है। ये जी बत्तख अंडा, बत्तख ने अंडा दिया हुआ है और वो देखे जी उधर पड़ा हुआ है। तो अभी जाके अली भाई को बताता हूँ, अली भाई इधर से उठा लेगा। पिंजरे के अंदर चेक करता हूँ, इस पिंजरे के अंदर कुछ नहीं है। तेरी बत्तख ने अंडा दिया हुआ है कसम से। हाँ भाई जा देख जाके, दिया हुआ है। हाँ भाई दिया हुआ है। तो अली अब भागता भागता जाता है, दिया हुआ जल्दी जा जल्दी जा देख उसके अंदर। हाँ भाई पकड़ ले जल्दी से, देखे अब कितना ज्यादा खुश है भाई बत्तख का अंडा, ये अंडा दिया है। अभी बच्चे दिखाता अली भाई जो पैटों के बच्चे हैं, मुझे थोड़ा सा डर लगता है काटते हैं, तो अली भाई नहीं डरता, अली भाई दिखाएगा आप लोग को। ये देखना अली भाई बाहर निकाल रहा है। और कबूतर लकी कबूतर यार बहुत प्यारा लगा मुझे, ये देखे और ये बाजे भी बहुत निकालता है, ये देखे कितना प्यारा। तो अभी अली भाई बाहर निकाल रहा है, ये देखे कितना बड़ा हो गया। उस दिन आप लोगों को दिखाया था इसके पर नहीं थे, और ये देखे ये भी कितना बड़ा हो गया भाई, सब पैट बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये देखे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ओए होए रेड आइज चेक करे इसकी आंखें रेड आई। ये देखे अली भाई नीचे रख दे, नीचे रख दे, ये देखे ये तीन और अभी एक और है अंदर, तो वो भी आप लोग दिखाते हैं। ये देखे जी चार बच्चे हैं जी टोटल, ये देखो अली भाई पकड़ना यार कहीं नीचे ना गिर जाए, अली भाई अंदर डाल दे यार। ये चले गए जी अंदर, ये पैर कितनी गौर से देख रहे हैं कैमरे की तरफ। ये देखे हमारी बत्तखें अब आराम कर रहे हैं, इनमें से किसी एक बत्तख ने अंडा दिया था। हमारी बत्तखें भी अंडा देती हैं और मुर्गियाँ भी अंडा देती हैं। अभी आप लोग को मैं मुर्गियाँ दिखाता हूँ, अभी जाके देखते हैं किसी मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं दिया। मैं मुर्गियों के पास आ चुका हूँ, तो देखते हैं किसी मुर्गी ने अंडा दिया। तो एक मुर्गी बैठी हुई थी अंडा देने, लेकिन अब उठ गई है, तो अंदर चल के देखते हैं मुर्गियाँ। अभी अंदर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन किसी मुर्गी ने भी अंडा नहीं दिया हुआ। तो इधर पानी भी नहीं है, पानी भी पिलाते हैं इनको और दाना भी डालते हैं। दो दिन हो गया मुर्गी अंडा नहीं दे रही, बत्तख ने अंडा दिया है। तो अब इधर से पानी भर के मुर्गियों को पिलाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी तो भाई गर्मियों में
पिलाना चाहिए जानवरों को। तो अभी जल्दी से पानी पिलाता हूँ, गर्मी सच में यार बहुत ज़्यादा है। अभी पता नहीं गर्मियों की वजह से मुर्गी अंडा नहीं दे रही, तो जल्दी से मुर्गियों को पानी पिला लेता हूँ। ये डाल दे जी पानी, तो अभी देखते हैं मुर्गियाँ पीती हैं या नहीं पीती। पानी तो मैंने डाल दिया, ये देखे जी मुर्गियाँ पानी पी रही हैं। मुर्गी को पानी पिला दिया और छत पे आया जी अबू बकर भाई, कैमरा लेके। अबू बकर भाई आ गए छत पे फिर? हाँ ना सर भाई। मुर्गियाँ यार अंडे क्यों नहीं दे रही, दो दिन हो गया, लेकिन बत्तख ने नीचे अंडा दिया। मुझे लगता है कि गर्मियाँ इसी लिए नहीं दी। हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर भाई। किसी दिन हम लोग अंडे ले करेंगे देसी, और फिर मुर्गी के नीचे रखेंगे और फिर बच्चे निकलेंगे। हाँ भाई पारे पे मुर्गी को बिठाएंगे। अभी हमारे पास बत्तख के अंडे भी है, तो मुर्गी के नीचे बत्तख के अंडे भी रखेंगे और भाई मुर्गी के अंडे भी रखेंगे, फिर छोटे छोटे चूजे हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ भाई। 5 hours later गाइस शाम का टाइम हो चुका है, इस टाइम मैं छत पे आया हूँ। ये उमर भाई भी छत पे आया, अबू बकर भाई भी और छोटा लड़का है, शूट कर रहे थे और शाम का टाइम हो चुका है। और देखे जी इस टाइम हम लोग शटरिंग के ऊपर खड़े हैं और इधर चेक करें, इधर शटरिंग नहीं हुई, वो आगे भी देखे अभी घर काम चल रहा है, शटरिंग के ऊपर घूम रहे हैं। ये ना कि अबू बकर भाई शटरिंग गिर जाए यार, नीचे गिर जाए और हम भी नीचे और सीधा हॉस्पिटल। भाई चला जा नीचे अब यार, जा रहा हूँ। ये बज के 30 मिनट हो चुके हैं और अबू बकर भाई चेक करे लेटा हुआ है और ऊपर वो देखे जी अबू बकर भाई का पतंग, किसी ने पतंग नहीं उड़ाया, ये केला पतंग उड़ा रहा है और मजे कर रहा है। अबू बकर भाई यार चल नीचे यार। नहीं ना भाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी के साथ पेचा करूँ, हाँ तुम मेरे साथ पेचा कर रहे यार। शटरिंग भी अभी मुकम्मल नहीं हुई और ये बंदा लेटा हुआ है। ना भाई मेरे साथ चैलेंज करो, बहुत दिल कर रहा है यार। आप लोग कमेंट करके बताए कि मैं इसके साथ चैलेंज करूँ या ना करूँ, इसकी पतंग मैं काट दूंगा। वो लड़का उड़ा रहा है केला। जी वो लड़का भी उधर उड़ा रहा है, चेक कर ले कितना ज्यादा शौक है कि शाम का टाइम हो चुका है फिर भी पतंग उड़ाया जा रहा है। सभी लगता है उसे ही बहुत शौक है, वो अकेला ही उड़ा रहा है। ट्रेन मुकम्मल हो जाएगी, लैंटर डाल देंगे फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अभी तो भाई ऐसे ही गुजारा अच्छा कर रहे हैं, तो भाई रिस्क लिया हम लोगों ने और ऊपर आए हुए हैं। अभी पतंग नीचे उतारा जा रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अब बकर भाई यार जल्दी कर यार, नीचे जाना यार फिर। सभी मेरा दिल कर रहा है लड़के को दे दूं। कौन से लड़के को देना पतंग? वो सामने बैठा। तो वो रात को उड़ा गया फिर? हाँ एक दफ़ा ऐसा किया हम लोगों ने, रात को पतंग बांध के तो नीचे चले गए, वो सुबह तक पतंग नीचे बैठ गया था और किसी ने पकड़ लिया था। वो सामने एक लड़के को पतंग दे दिया और वो देखे जी लेने आ रहा, तो अभी वो पतंग पकड़ लेगा। ये आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ये देखे जी बच्चे ने पतंग पकड़ लिया। अब बकर भाई दे दिया बच्चे को पतंग फिर, बच्चे को पतंग दे दिया, अब जल्दी से यार नीचे चल। तो गाइस आज मेरी खुरम भाई से बात हुई है, इंशाल्लाह कल खुरम भाई से हम लोग 10 कबूतर खरीद लेंगे। पहले वो नहीं मार रहे थे लेकिन आज मान गया, तो कल की वीडियो के अंदर हम लोग खुरम भाई के पास जाएंगे, उनसे कबूतर लेंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल का व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि हम लोग 10 कबूतर नहीं लेके आएंगे, फिर हमारे पास 12 और एक लकी कबूतर 13 कबूतर हो जाएंगे हमारे पास। तो आप लोगों ने कल की वीडियो लाजमी देखनी है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, बाय बाय।